अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी आज आपको लेकर हम जा रहे हैं छोटे से रनिंग विजिट के ऊपर बैरिया टाउन कराची में। ये आप बोर्ड देख रहे हैं और आज का वीडियो बस थोड़ा सा रनिंग भी होगा और नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम पीरियड में इसको बहुत अच्छे से बैरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि बैरिया टाउन हर पाकिस्तानी तो जानता है, एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो उनके लिए ये नॉलेज ये इंफॉर्मेशन अच्छा रहेगा कि उनके साथ शेयर किया जाए, उनको अपडेट किया जाए। बैरिया टाउन जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल ब्रांड है, जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, जिसकी सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी 99% उनकी अपनी होती है। ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट है बहरिया का, वो उसको एक्सेप्शनल करता है बाकी दूसरे रेजिडेंशियल एरिया से। सो अभी जस्ट हम प्रॉबेबली एंटर होने जा रहे हैं, एंट्रेंस आ गई है इसकी। जैसे अगर आप ये क्लोजली मॉनिटर करें तो ये बैरिया का एक बोर्ड लगा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम बैरिया में एंटर हो जाएंगे। और पीछे जो आपको दूर बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, वो बैरिया के अंदर डिफरेंट मॉल्स हैं और डिफरेंट कमर्शियल प्लाजाज हैं, ऑफिस वगैरह हैं, उन सारी बिल्डिंग्स को वहाँ की हैं। सो अभी जैसे आपको एंट्रेंस पे तकरीबन हम पहुँच गए हैं जी, ये देखिए जैसे हम लेफ्ट टर्न लेंगे बहरिया के लिए। और ये दो रोड्स हैं, अगर आप कराची से जब जाते हैं लाहौर के लिए तो ये राइट साइड जो है वो मुल्तान रोड लाहौर से लिंक होती है, और ये बहरिया की अपनी सोसाइटी है, सोसाइटी की एंट्रेंस के लिए है। जी ये अभी हम जा रहे हैं, टोल को क्लियर कर लिया आपने, कराची की एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इनकी एंट्रेंस देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। आई विल ट्राई कि बहरिया लाहौर, बहरिया इस्लामाबाद, उनको भी कवर किया जाए, बट ये बहरिया टाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कराची की एंट्रेंस है, जिसको आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया। और ये इनकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम बहरिया के अंदर एंटर होते हैं। और अभी रिसेंटली दे आर इन प्लानिंग कि ये बहरिया टाउन को पेशावर में भी लॉन्च कर दें। या आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको दिखा हुआ नज़र आएगा, बहरिया टाउन पेशावर जल्द आ रहा है। सो हम लोग बहरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये खूबसूरत सी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो शायद वीडियो में तो उतना अच्छी नज़र ना आ रही हो, लेकिन अदरवाइज ये फिज़िकली बहुत अपेरेंटली बहुत खूबसूरत है। नॉर्मली बहरिया टाउन आप किसी भी
लोकेशन में विज़िट कर लें, लाहौर को विज़िट कर लें, कराची तो अभी ये न्यूली डेवलप हो रहा है, यहाँ इस्लामाबाद को विज़िट कर लें, आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको फ़ील होगा कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, शायद पाकिस्तान से कहीं बाहर हैं, क्योंकि उनकी सफाई, इनका सिस्टम, इनका एवरी सिंगल थिंग जो भी इनकी आप देख रहे हैं, सिविल वर्क देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर नज़र नहीं आएगी, सारी वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड है। अभी ये सारी बिल्डिंग्स आप कुछ देख रहे हैं बन भी रही हैं और कुछ जो है वो बन भी चुकी हैं। तो यहाँ पे जनाब इनकी इंटायर टीम अपनी है, ये एक लैंड लेते हैं और उसको कम्प्लीटली तैयार करके इवेंचुअली उस टाइम के बाद अपने एरिया को सेल आउट करना शुरू करते हैं, जब इनका 70%+ जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ये तो अभी कमर्शियल एरिया के पास से हम गुजर रहे हैं, वी विल ट्राई कि हम कुछ रेजिडेंशियल एरिया को भी कवर कर सकें। आई एम जस्ट इन प्लानिंग कि आपको जो बहरिया की एक मॉस्क बन रही है बहुत ही खूबसूरत, वहाँ तक तो हम ज़रूर जाएं और फिर वहाँ से हम लोग वापसी के लिए निकलेंगे अपने होम टाउन के लिए, जिसमें मज़ीद 4 to 6 days रिक्वायर्ड होते हैं। एनीवे जी, बहरहाल हम ये देखें, ये बहुत खूबसूरत एक और बिल्डिंग आ रही है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारा इस पर ग्लास वर्क हुआ हुआ है। अब्दुल समद बिजनेस सेंटर है जी ये, और ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती एक और बिल्डिंग है प्रॉबेबली, अच्छा ये भी उन्हीं का ही एक बिज़नेस कम्युनिटी सेंटर है। और ये आगे देख रहे हैं बिल्डिंग्स जो हैं बन रही हैं, हमारी वीडियोस नॉर्मली एडिटिंग से पाक होती है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी जगह का इंतखाब करें। और अभी चूँकि ये बहरिया बहुत सारा अंडर डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे एरियाज़ बन भी चुके हैं। ये एक जगह मुझे पर्सनली लास्ट टाइम पीरियड में भी बहुत पसंद आई थी, मैं अपने मिरर डाउन करता हूँ, ये भी आप देखेंगे यहाँ से बहरिया की अपनी वैन्स हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें लेके आने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। बट इन पाकिस्तान बहरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव, बिकॉज ये आपको नज़र आ ही रहा है सारा सिस्टम, सारा सफाई वाला निज़ाम, सिवर वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी सिक्योरिटी, सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। चल रहे हैं बहरिया नॉर्मली कोशिश करता है कि वो अपनी तमाम सोसाइटीज़ में एक ग्रैंड मॉस्क बनाता है जो बहुत खूबसूरत होती है और बड़ी आइकॉनिक होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आस हम नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ आर डेली रूटीन वर्क, नॉर्मली इतना ज़्यादा होता है कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं मिलता। बट डोंट वरी, नाउ यू आर इन माई चैनल,
आप मेरे चैनल पर हैं तो यू विल हैव नो वरी इंशाल्लाह। प्रॉबेबली ये कहा जाता है कि ये जो सीईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं बहरिया के, ये शायद उनका अपना रेजिडेंशियल एरिया है जो अबव द रोड नज़र आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा हिल वाला नेक जेस्चर दे रहा होगा। यहाँ से आप देखें तो दरख्त इतने ज़्यादा हैं कि आपको नॉर्मली जो है वो बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ पाती, बड़ा क्लियर व्यू है। ऑलमोस्ट आई गेस के हम मॉस्क के बड़े करीब हैं। हम देख रहे हैं यहाँ तमाम वर्क चल रहा है, कोई प्राइवेटली टीम हायर नहीं करते, कोई आउटसोर्स नहीं ऐड करते। बैरिया का सारा सिस्टम अपना है, सिविल वर्क से लेकर एक आम मजदूर तक इनके पास लेबर अपनी है और ये सारे काम जो है ये खुद कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं दरख्त यहाँ पे प्लांट किए गए हैं और मेजॉरिटी खजूर के दरख्तों की ज़्यादा है। लीजिए एज़ पर द प्रॉमिस हम पहुँच चुके हैं बहरिया की ग्रैंड मॉस्क के पास। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एंगल से भी बना के आपको दिखाया जाए। बहरिया जी, बहरिया की मॉस्क जो है ऑनेस्टली आप अगर वीडियो में देख रहे हैं लेकिन फिजिकली इस वक्त इतना वक्त भी नहीं है कि इसके अंदर जाया जा सके, बट स्टिल जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारा इसमें काम हो चुका है, एक बिल्डिंग का ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो रेडी है, बट अभी इसके ऊपर और बहुत सारा काम होना बाकी है। इसी तरह आई विल ट्राई कि मैं जब बहरिया के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप लाहौर की ग्रैंड मॉस देखेंगे, तो माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और सिमिलरली ये ग्रैंड मॉस जो है आपको ऐसा जेस्चर देगा लाइक यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर समवेयर आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान और आप वहाँ पर ये ऐसी मॉस देख रहे हैं। नॉर्मली ये बाहर का एक डिज़ाइन है बट बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन है और क्या कहें, ज़बरदस्त। अभी भी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जस्ट फॉर अ मिनट और सो हम थोड़ा सा आपको क्लोज इसका व्यू दिखा सकें। सो डियर ऑल, उम्मीद है आप सब लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इसको शेयर करें इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड हमें मौका मिलेगा कि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। आपकी तरफ से हमारी बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होगी और वो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को वॉच करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो जिन लोगों के पास वक्त की कमी है वो इस चैनल पर आके पाकिस्तान के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पीरियड में मेरे साथ हर उस एरिया में अवेलेबल होंगे जहाँ पर हम पहुँच सकें। सो दुआ करते रहिए पाकिस्तान के लिए ओवरऑल, और अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात और बाकी दुनिया के हालात भी बेहतर करें। नहीं जी, जहाँ से हम अपनी वीडियो को बस वाइंड अप करते हैं, ये एक और वाइड व्यू है बहरिया मॉस्क का जो बहुत बड़ी है। स्टे ब्लेस्ड डियर ऑल, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और अपना ढेर सराया रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।